जय गुरु जी सभी संगत जी को, आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 11 इयर्स हो गए हैं। सच मानिए संगत जी, ये मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल 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 टाइम है जो मैं गुरुजी के साथ बिता रही हूँ। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे शायद इस लायक बना दिया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इन 11 इयर्स में गुरुजी ने मुझे इतना दिया है कि मैंने हमेशा से ये बात सुनी थी कि गुरुजी एक हाथ से देते हैं और आपके दोनों हाथ छोटे पड़ जाते हैं। और संगत जी, ये बात मैं अपने ऊपर लेती हूँ। शायद मेरे दोनों हाथ, मेरी झोली, मेरा घर सब छोटा पड़ गया। गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, हर एक चीज बात उन्हें, हर एक फीलिंग हमारी, हर एक पेन उन्हें, एक हर एक टेंशन सब कुछ उन्हें मालूम होता है। और वो उस चीज को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, पता ही नहीं चलता कब कोई प्रॉब्लम आई और कब सॉल्व हो गई। संगत जी, मैं आप सबको बताती हूँ कि हम जुड़े कैसे थे। ये 2010 की बात है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। शायद अगर संगत जी, मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि आज अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना होते तो शायद मैं ना होती, शायद डिप्रेशन की मरीज होती, सुसाइड कर लेती, या मेरी फैमिली भी ना होती। इतनी प्रॉब्लम्स थी उस समय हमारी फैमिली में। हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव, जिसे आप समझ लीजिए ब्लड रिलेशन होता है, वो हमारे घर आया करते थे। तो संगत जी, उनकी गाड़ी के पीछे ना जय गुरुजी लिखा हुआ था। और हमें ना पता नहीं, हमने कभी गुरुजी को देखा नहीं था। उन्होंने ना एक गुरुजी का पेंडेंट पहना हुआ होता था। संगत जी, जब हम सामने होते थे ना तो वो उस पेंडेंट पे हाथ रख लेते थे कि हम देख ना पाए कि इस पेंडेंट में किसका स्वरूप है। और हमने भी सच कहूं तो ऐसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो उनकी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा होता था ना, वो नाम हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। ऐसा लगता था कि ये नाम ना हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो उनका कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारे घर में प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीजों को जानते थे, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन आए हुए होते थे। कहते हैं ना, रिश्तेदारों को बड़े मजे आते होते हैं जब आपके घर में प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने ना उनसे पूछा, मैंने कहा, हम मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप गुरुजी को जानते हैं या ये गुरुजी कौन है। हमने उनसे पूछा कि आप क्या किसी ऐसे दर पर जाते हैं जहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो संगत जी, उन्होंने हमें आंसर दिया कि नहीं, हम ऐसे किसी दर पर नहीं जाते हैं। जबकि संगत जी वो गुरुजी के पास जाते थे उस वक्त। एनीवे, एक दो दिन बाद ना उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने पास बुलाया और एक विजिटिंग कार्ड दिया संगत जी कि तुम ना यहाँ पर चले जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, हमने गाड़ी ली और हम उस विजिटिंग कार्ड वाले एरिया पर गए। वो जहांगीरपुरी में एरिया था। जब हम उस एरिया में पहुंचे संगत जी, तो वो बहुत बहुत ज्यादा स्लम एरिया था। बहुत ज्यादा मतलब झुग्गियां थी वहां पर, बहुत गंदगी थी, बहुत मतलब हमारे हिसाब से सही लोग जैसे होते हैं वैसे नहीं थे, उस टाइप के लोग नहीं थे वहां पर। शायद मुस्लिम एरिया भी था वो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भारती, मुझे ना शायद यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तू गाड़ी से नहीं उतरेगी, तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी को अंदर से लॉक करके बैठ, मैं और लवली देख कर आते हैं ये जगह। संगत जी, वो गए, वो फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहां पर एक मॉमडन था, एक मुसलमान था, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, झुग्गी थी वो और बहुत टूटी हुई सी झुग्गी थी। वहां पर बड़ी सारी खोपड़ियां और ये तंत्र मंत्र की जो चीजें होती है वो वहां पर पड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बदल ना बहुत ज्यादा घबरा गए कि यार ये क्या जगह है। और ये ना बिना कुछ बात किए, बिना कुछ उसको बोले बाहर आए और फटाफट आकर गाड़ी में बैठे। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आप लोगों का तो चेहरा ही बड़ा उतरा हुआ है।
तो कहते हैं तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी स्टार्ट करने दे, मैं रास्ते में बात करता हूँ। संगत जी ने उन्हें मुझे रास्ते में बताया कि वो तो ऐसी ऐसी जगह थी, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, क्या कहते हैं, हमारे तो होश ही उड़ गए कि हम ये कैसी जगह पर आए। और आप बिलीव करोगे, हमें ना ये यकीन हो गया था कि मतलब जो गुरु जी ये बोलते है ना, ये वो गुरु जी नहीं है, मतलब ये गुरु जी की कोई जगह नहीं है। पता नहीं क्यों ये अपने था कि ये गुरु जी नहीं है। संगत जी कोई बात नहीं, अब तो उनसे दोबारा पूछने का तो मतलब ही नहीं था कि हम उनसे दोबारा पूछते कि ये गुरुजी कौन है, क्योंकि हम समझ गए थे कि शायद इनकी नीयत नहीं है, ये हमें बताना ही नहीं चाहते हैं गुरुजी कौन है। संगत जी लेकिन अब वो गुरुजी का ना दिमाग में बैठ गया था कि गुरुजी नाम है कोई और गुरुजी हमें ना अपनी तरफ खींचते हैं। तो इतने में ना संगत जी अब ये हो गया था कि कोई भी गाड़ी आती थी ना, कोई भी गाड़ी कहीं पर आ रही होती थी, उस समय ना 10-11 इयर्स पहले गाड़ियां बहुत कम होती थी जिनके पीछे गुरुजी लिखा होता था। तो अब कोई भी गाड़ी नजर आनी, मेरे हस्बैंड ना उसको फॉलो करने लग जाते थे। अब आप मानोगे नहीं, कई बार मेरे हस्बैंड, हम यहाँ रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज मॉडल टाउन की तरफ हम लोग रहते हैं, और जब भी मैं इनको फोन करती थी कि आप आए नहीं, तो ये मुझे बोलते थे मैं तो गाजियाबाद लोनी पहुंचा हुआ हूँ, मैं तो पानीपत पहुंचा हुआ हूँ, मैं तो फरीदाबाद पहुंचा हुआ हूँ। मैंने कहा किस लिए? गुरुजी की एक गाड़ी नजर आई थी ना, मैं उसको फॉलो करते करते आया कि ये गाड़ी रुकेगी तो मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन गाड़ियां मेरे हाथ से निकल गई। मतलब हम गुरुजी को लेकर इतने दीवाने हो गए थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये गुरुजी कौन है, देखने में कैसे लगते हैं, कहाँ मिलते हैं, कुछ भी नहीं हमें मालूम था संगत जी। इतने में इस बार बहुत परेशान हो गए, 6 महीने ऐसे ही निकल गए संगत जी। अब जब 6 महीने बाद ना मेरे हस्बैंड और मैं अपनी गाड़ी में ना कहीं से आ रहे थे, तो इतने में ना क्या हुआ कि हमारे घर के आगे एक गाड़ी, हमारे घर की मेन रोड पर एक गाड़ी थी वैगनार। संगत जी वो वैगनार पहली ऐसी गाड़ी थी जिसके पीछे जय गुरु जी तो लिखा हुआ था, उसके पीछे गुरु जी का स्वरूप भी लगा हुआ था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा आज तो मैं इस गाड़ी को रोक कर पूछ के ही रहूंगा। संगत जी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को ओवरटेक किया और आगे जाके ना उसके आगे गाड़ी लगा दी। अब शायद उनका गुस्सा होना भी जायज था, तो मेरे हस्बैंड उतरे, मेरे हस्बैंड ने उनको सॉरी बोला कि सर आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको परेशान करने के लिए गाड़ी नहीं आपकी ओवरटेक की है, बस आप मुझे एक ही बात बता दीजिए कि गुरु जी कौन है। संगत जी उस बंदे ने बोला कि भैया मैं ना इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मेरे जो मालिक है वो गुरुजी के पास जाया करते हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन संगत जी उन्होंने ना अपनी गाड़ी में गुरुजी का ब्लैक चोले में स्वरूप लगा हुआ था, वो स्वरूप वो उस गाड़ी से बाहर निकाल के लेके आए कि ये है गुरुजी। संगत जी सही तरीके से हमने तब देखा कि गुरुजी ये हैं। अच्छा उनको भी कुछ नहीं मालूम था, हमें भी कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने बोला कि ये ना मंडे को मिलते हैं और छतरपुर में इनका मंदिर है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला। संगत जी मेरे ना हस्बैंड की एक बहुत अच्छी आदत है, ये किसी से भी मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी में ना कोई भी इंसान मिले उसका फोन नंबर जरूर लेना चाहिए, तो आपको कभी नहीं पता होता आपको कौन बंदा कब कहाँ काम आ जाए। संगत जी इन्होंने ना उस ड्राइवर का भी नंबर ले लिया, ये वीरवार की बात थी। संगत जी हम मंडे के दिन गए, अब मंडे को मेरी पूरी फैमिली, हम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई और हम ना छतरपुर जाके खड़े हो गए। आप मानोगे हम हर जगह, मतलब हमने छतरपुर में शायद एक एक गली एक एक शॉप पूछ डाली कि गुरुजी का मंदिर कौन है और गुरुजी कौन है सब कुछ, लेकिन वहां तो कोई गुरुजी के बारे में जानता ही नहीं था। हम 11 बजे संगत जी गए थे और हमें वहां पर ढूंढते ढूंढते 2 बज गए और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने बोला कि अब ना मैं उनको फोन करता हूँ ड्राइवर को। इन्होंने उनको फोन किया, इन्होंने कहा कि भैया मैं ना ये छतरपुर मंदिर के आसपास खड़ा हूँ, यहाँ पर तो कोई भी गुरुजी का मंदिर नहीं है, यहाँ तो कोई गुरुजी के बारे में नहीं जानता। तो उन्होंने बोला भैया आप वेट करो मैं आपको एक फोन करवाता हूँ। 5 मिनट बाद संगत जी एक फोन आया और वो अंकल ने बोला जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने भी रिप्लाई में बोला जय गुरुजी। उन्होंने बोला मेरा नाम शिव है। संगत जी आज मैं उस चीज को रियलाइज करती हूँ, वो कौन शिव है मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए तो वो मेरे गुरुजी थे जिनका फोन आया था। संगत जी आप मानोगे वो अंकल हमें एक एक चीज बताते गए कि आपने ऐसे जाना है, हम छतरपुर उल्टा चले गए थे, उन्होंने सब कुछ हमें बताया ऐसे नहीं जाना ऐसे नहीं जाना। और आप मानोगे हमें 1-1.5 घंटा फिर भी छतरपुर से मंदिर पहुंचने में लग गया, क्योंकि जो हम उन्हें बता रहे थे हम गलत रास्ते जा रहे थे, पर वो अंकल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। कम से कम 10-15 बार कॉल पे उन्होंने हमसे बात की और ऐसे करते करते संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंच गए। अब जब हम बड़े मंदिर की पार्किंग में पहुंचे तो वहां पर जब हमने शिवलिंग को देखा तो बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि सच बताऊं
तो शायद कोई दुनिया का डर हमने नहीं छोड़ा था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हर व्रत को करना, पूजा पाठ करना, मैं बचपन से ही ऐसी थी संगत जी, पूजा पाठ व्रत के लिए बहुत मैंने रब की बड़ी पूजा की है। शिव जी जी पर जल चढ़ाए बगैर मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, तो जब शिवलिंग को देखा तो मुझे लगा मेरे रब का डर ही आ गया। संगत जी जैसे गाड़ी पार्क की, हम गाड़ी से उतरे, उस समय ये जो पुराना वाला जोड़ा घर है वो था, वहां पर दो अंकल थे। संगत जी मैंने 100 रुपीज का नोट निकाला और मैंने उनके हाथ में दिया, तो अंकल जी कहते ये किस लिए बेटा, वो अंकल की एज के थे तो इसीलिए संगत जी मैंने उन्हें अंकल ही बोला, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि वहां पर अंकल और आंटी बोला जाता है। तो जब मैंने उनको 100 रुपीज दिया तो उन्होंने कहा बेटा आप ये किस लिए दे रहे हो। मैंने कहा अंकल जी आपकी भी कोई थाली होगी, कोई हार, कोई नारियल यहाँ पे भी चढ़ता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप ये 100 रुपीज अपने पास रखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप अंदर जाओ, जैसे जैसे जो जो संगत कर रही होगी ना आप वैसे वैसे मत्था टेकना वहां वहां पर। संगत जी हमने जोड़े उतारे, हम मंदिर में गए, गणेश जी पर हमने मत्था टेका, समाधि पर हमें मत्था टेका। समाधि सच बताऊं तो हमें पता ही नहीं था कि ये हमारा समाधि मंदिर है, हमें कुछ भी नहीं मालूम था, पर जो जो संगत कर रही थी हम वैसे वैसे कर रहे थे संगत जी। अब जब हम मंदिर हॉल में गए तो सच कहती हूँ आंखें भर के तब हमने गुरु जी को पहली बार देखा, और वो ऑरा, वो नूर स्वरूप में ही देखकर, वो कहते हैं ना क्योंकि एक दुखी इंसान जब रब को मिलता है ना संगत जी, तो वो सिर्फ आंखों से अपना दर्द बयां करता है, जर जर आंखों से आंसू निकले कि हम तो शायद जन्नत में पहुंच गए। अच्छा अब गद्दी लगी हुई थी तो दिमाग में यही था कि अभी तो गुरुजी आएंगे, क्योंकि कुछ मालूम तो था नहीं, और हमने उन अंकल से भी नहीं पूछा था ये गुरुजी के टाइमिंग क्या है और कुछ भी नहीं। अब 15-20 मिनट हो गए, हमने देखा कि गुरुजी तो गद्दी पर नहीं है, पर संगत जी वहां जाने के बाद ना एक ठहराव था, पता नहीं मन में ना एक बहुत पॉजिटिविटी थी कि यहाँ पर सब कुछ हमारा शायद सॉल्व हो सकता है, हमारे दिमाग में ना यही चीज चल रही थी। तो हमने पास बैठी संगत से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी तो अपना चोला छोड़ चुके हैं, और क्या कहते हैं ये गुरुजी का कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत है, आप यहाँ पर विश्वास रखो, मतलब उन्होंने 2 मिनट का ही हमें समझाया। अब संगत जी जैसे ही मंदिर हॉल के बाहर में, मंदिर हॉल के बेड़े में आई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, और हम ये जो अपनी कुंडलियां लेके आए हैं, अपने टेवे, अपने इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ये तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, जब कोई सुनेगा नहीं तो आंसर कैसे देगा, और आंसर नहीं देंगे तो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। संगत जी फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मतलब एक ठहराव था, चलो कोई बात नहीं। तो हम जैसे बाहर आए ना तो एक अंकल ने कहा कि आप ना पीछे जाइए, पीछे चाय प्रसाद मिलती है। संगत जी जहाँ पर अब लंगर हॉल बना है ना नया, वहां पर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिलता था। संगत जी आप मानेंगे हमने मंदिर हॉल से शिव मूर्ति की तरफ क्या कहते हैं मत्था टेका, और शिव मूर्ति से हमने क्या कहते हैं जैसे कुटिया की तरफ मत्था टेक कर हम झूले के पास पहुंचे ना, संगत जी हमारे वही तीनों रिश्तेदार जिन्होंने हमें तांत्रिक के पास भेजा था, गुरुजी ने उनको हमारे सामने खड़ा कर दिया, मतलब गुरुजी ने उनको पानी पानी कर दिया, और हमें देखते ही उनका फेस उड़ गया, और उन्होंने हमसे पूछा तुम यहाँ कैसे, अभी भी एटीट्यूड वही था, तुम यहाँ कैसे। संगत जी उनको क्या पूरी बात बतानी थी, पूरी कहानी उनको सुनानी थी, हमने यही बोला किसी फ्रेंड ने हमें भेजा है। संगत जी वो लोग भी बैठे हुए थे, उस समय ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर सत्संग सुनाए जाते हैं और वो सुने जाते हैं। अब ना संगत जी गुरु जी का पेंडेंट उनका नजर आ गया, तो हमें समझ आ गया कि ये गुरु जी का पेंडेंट पहना हुआ है, तब उन्होंने उस दिन वो अपना जो पेंडेंट है वो छुपाया नहीं। शायद समझ में आ गई कि जिस रब ने अपने बच्चों को हाथ खींच कर अपने घर बुला लिया, अपने मंदिर में बुला लिया, अब उनसे क्या हम गुरु जी का फेस छुपाएंगे। संगत जी मैंने ना उनसे पूछ लिया उसी वक्त ये पेंडेंट कहाँ से मिलता है, ये पेंडेंट कहाँ से खरीदना होता है। तो उन्होंने ना तब भी मुझे बड़े एटीट्यूड में बोला ये पेंडेंट ना किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता ये पेंडेंट, जब गुरु जी की इच्छा होगी तब मिलेगा। अब संगत जी मैं बाय नेचर रब को लेकर बहुत लालची हूँ, शायद बहुत लालची, मैं सोचती हूँ शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लालची मैं हूँ। मुझे रब की किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स मिल जाए उसको मैं इतना पॉजिटिव लेती हूँ, शुरू से मेरी आदत है, क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रसाद के फॉर्म में मिले, पेंडेंट के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, अब वो मुझे नहीं मिली तो मुझे तो बहुत बेचैनी लग रही थी कि रब ने क्या मुझे स्वीकार नहीं किया, रब ने क्या मुझे अपने मंदिर में मतलब एक वो प्यार नहीं मिला, कि मुझे कुछ नहीं मिला। संगत जी जो आंटी चाय प्रसाद की सेवा कर रही थी ना, मैं उनके पास गई और मैंने ना उनको बोला कि आंटी जी ये जो पेंडेंट सबने पहना हुआ ये कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से खरीदते हैं।
तो उन्होंने बोला कि बेटा ये पेंडेंट खरीदना नहीं होता। उन्होंने उसी वक्त संगत जी अपना पर्स खोला, उसमें से गुरुजी का एक स्वरूप निकाला। संगत जी आज तक वो स्वरूप मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही फेसबुक पर देखा है, अभी तक वो स्वरूप कभी भी फेसबुक पर या किसी भी जगह पर मैंने नहीं देखा। उन्होंने वो स्वरूप निकाला, उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। उन्होंने वो स्वरूप मुझे दिया और उन्होंने कहा बेटा आज ही आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। संगत जी वो छोटा सा स्वरूप लेकर मैं घर आई और इस तरीके से जो गुरुजी है वो मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में आ गए। संगत जी सच बताऊं तो पहली बार जब गए थे समझ कुछ नहीं आया, ये भी नहीं पता चला क्यों आए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब रब ने आपकी बांह फड़ी हुई हो ना, तब आपकी मत काम करना बंद कर देती है, तब आपका काम आपकी सोझी से नहीं हो रहा होता, रब की मर्जी से हो रहा होता है। और आप मानेंगे नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, हर मंडे को सवेरे 11 बजे हम लोगों ने रेडी होना, गुरुजी के मंदिर चले जाना, रात को 8 बजे मंत्र जाप के बाद आना। वही प्रसाद हमारे लिए ब्रेकफास्ट था, वही प्रसाद हमारे लिए लंच था, वही प्रसाद हमारे लिए क्या कहते हैं डिनर था। और आप मानोगे नहीं, समझ में धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ और इतनी पॉजिटिविटी जिंदगी में भर गई कि अब शायद जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हो सकता। और आप मानोगे हम अपनी प्रॉब्लम ही भूल गए कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, जबकि वो प्रॉब्लम थी लेकिन भूल गए क्योंकि हम गुरुजी में इतने रम गए। और गुरुजी जब देखो हमारे दिमाग में ना गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए थे हम, गुरुजी के शब्द यही हमारे दिमाग में रहते थे, तो कोई और चीज आती ही नहीं थी और घर में भी बहुत ठहराव सा आ गया था। अब संगत जी 31 दिसंबर का पहला फंक्शन आया उस साल, मैं साईं बाबा जी को मानती थी तो हमारी शिरडी की टिकट बुक थी, तो उन्होंने ना मंदिर वालों ने, वो कहते हैं ना गुरुजी का इनविटेशन था कि बेटा आप लोग ना इस बार 31 दिसंबर को ना बड़े मंदिर के फंक्शन में आना। तो मैंने बोला मैं तो साईं बाबा जी को भी मानती हूँ ना, हमारी ना साईं बाबा जी की शिरडी की टिकट बुक है, हम तो शिरडी जा रहे हैं। और संगत जी आप कुदरती मानोगे नहीं, वो कहते हैं ना जब रब ने सब कुछ लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं। आप हमारी शिरडी से वापस आने की फ्लाइट की टिकट बुक हो गई और हमारी शिरडी जाने की टिकट बुक नहीं हुई और हमारा कैंसिल हो गया कि हम शिरडी नहीं जा रहे हैं। संगत जी 31 दिसंबर आया, मोस्टली हम गुरुद्वारे, नानक चौक गुरुद्वारे, बंगला साहब गुरुद्वारे या लोधी रोड, मतलब रब के दर पर ही 31 दिसंबर मनाने जाते थे। तो इस बार इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने कहा कि हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं, देखते हैं गुरुजी के मंदिर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। संगत जी हम तो अपना नॉर्मली बने हुए थे, जैसे नॉर्मल बन के मंदिर जाते हैं, लेकिन हम जब पहुंचे आप मानोगे नहीं, आंखों से आंसू ही ना रुके कि हम तो जन्नत में आ गए, लोग शायद मरकर स्वर्ग नर्क देखते होंगे, हमने तो जीते जी स्वर्ग देख लिया। और इतने खुश, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। संगत जी उस समय संगत भी कम होती थी तो हमें मंदिर हॉल में बैठने की जगह मिल गई और हम सारे मंदिर हॉल में बैठे। आप मानेंगे मंदिर हॉल में सब कुछ देखा हमने, परफॉर्मेंसेस देखी बच्चों की और इतनी अच्छी शब्द बाणी देखी, नच रहे हैं, टप रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन से कहते हैं ना, ये इमेजिनेशन कभी इंसान सोचेगा नहीं कि मेरी जिंदगी में मुझे ये कुछ भी मैं सोच सकती हूँ, मेरे कर्म इतने चंगे हैं कि मैं तो जीते जी स्वर्ग देख लेता। संगत जी इतने में ना इस संगत अपना छोटा सा बेटा बेबी लेकर लिया था, न्यू बॉर्न बेबी था, उन्होंने ना गुरुजी के आगे मत्था टेकाया। तो संगत जी उसी समय ना मैंने देखा और मेरे मन में ये बात आया कि मेरी फैमिली में इस समय बहुत स्ट्रेस है, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी खुशी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। और आप मानेंगे संगत जी मेरी एक बेटी थी उस समय 5 ईयर्स की थी, मैंने गुरुजी से अरदास की गुरुजी आप मुझे बेटा देना, मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। और बचपन से मतलब हम दोनों बहनें ही रही हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का एक भाई हो और उसको वो सब कुछ मिले कि उसको। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे ना बेटा देना संगत जी। तो अब मुझे मालूम नहीं था कि वो न्यू बॉर्न बेबी बेटा है या बेटी। संगत जी अब जनवरी का महीना आया, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट सुषमा धवन है और क्या कहते हैं मैं उनके पास जाया करती थी, मेरा ना हर बार नेगेटिव आता था, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता था, तो मेरा मन बड़ा परेशान होता कि भाई मैं ना गुरुजी से एक अरदास करके आई हूँ, मैंने तो पहली बार अरदास की है तो मेरी अरदास पता नहीं पूरी क्यों नहीं, मैं तो अपने परिवार वास्ते खुशी मंगी है। तो संगत जी एक बार ना मैंने वीरवार के दिन, शनिवार का दिन था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला 8:30 बजे आप अभी अभी घर आओ, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी इतना ही कहना था, मेरे हस्बैंड आए
मेरे हस्बैंड कहते हैं जैसे बैठी है ना तुझे वैसे ही लेके जाऊंगा, तेरे को रेडी होने का टाइम नहीं दूंगा। देख 8:30 बजे संगत जी, हम 8:30 बजे निकले, हम 9:45 बजे गुरुजी के मंदिर पहुंचे। शब्द वाणी हो चुकी थी, हमने लंगर हॉल में नीचे बेसमेंट में लंगर होता था, हमने लंगर किया। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी बैठे थे और एक पुरानी संगत बैठी थी। उस समय उन आंटी से मैं पहली बार मिली थी। लंगर करते हम बाहर आए संगत जी, वो मेरी बेटी से बातें करने लगे और बातें करते करते मैंने उन्हें अपने दिल की कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ सुना था कि गुरुजी किसी संगत के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू या शब्द वाणी के थ्रू जो है अपने आंसर्स, हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो देते हैं। तो संगत जी, इतने में वो आंटी बोलते हैं, मेरी बहू को 5 साल से बच्चा कंसीव करना था और उसको बेबी हो नहीं रहा था। वो मेरे पास आई और मुझे कहती है, मम्मा इस बार भी मेरा नेगेटिव आया। तो मैंने उसको बोला, बेटा अब की बार तू चेक करना, तेरा पॉजिटिव आएगा। संगत जी ये सुनते ही मेरी तो, मैंने कहा ये क्या, ये आंटी मुझे अपनी इतनी पर्सनल बात क्यों बता रहे हैं, और ये तो मेरे मन का क्वेश्चन है, ये तो मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं है। संगत जी 11:30 बजे हम घर पहुंचे और मैंने चेक किया, संगत जी सच में मेरा पॉजिटिव था जो 2 दिन पहले नेगेटिव था। मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने सुबह अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। मैं वहां गई तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट कहती है, बेटा तू परसों ही तो आई थी तो तेरा नेगेटिव था। मैंने कहा, आंटी मैंने चेक किया है, मेरा पॉजिटिव आया, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया तो वो पॉजिटिव, और वो भी इस चीज के लिए हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। एनीवे समझ में आ गया कि ये मेरे को रब ने ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी अब जैसे ही मैंने बेबी कंसीव किया, शायद कहीं बाहर डिनर पे गए होंगे या जो भी है, फर्स्ट या सेकेंड मंथ ही था मेरी इसका बेबी होने का, तो अभी मेरे हस्बैंड और क्या कहते हैं मेरे को, दोनों को जॉन्डिस हो गया और मुझे तीरथ राम शाह हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मेरे हस्बैंड को किसी दूसरे हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट किया गया। अब संगत जी वो कहते हैं ना, जब रब ने बच्चा दिया था तो आप मानेंगे, मैं पूरे 7 डेज में, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी ना संगत जी, तो मुझे जॉन्डिस नहीं था। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक करके भेजा क्योंकि बेबी होने वाला था और बेबी उनकी मर्जी से हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस को ठीक होते होते पूरे 7 मंथ लग गए। संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, मेरा कनेक्शन, मेरी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रही है। मतलब मैं गुरुजी से शायद हर वो बात करती हूँ, मैं हर बात, मतलब मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी टेंशन, मेरा पेन, मेरा खाना बनाना, मेरा मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ गुरुजी हैं। मतलब मैंने गुरुजी को 11-12 सालों में सच कहूँ तो बहुत जिया है, तो मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत था। तो ना मैं ना गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे ना आपके जैसा बेटा चाहिए, अब की बार मैं लड्डू गोपाल जी की फोटो नहीं देखूंगी। मैंने लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए थे, अभी भी है, भोग लगता है, लेकिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं तो आपका स्वरूप देखूंगी, मुझे आपके जैसा बेटा देना। और मैं संगत जी गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अगर आप अपना मेरा को बेटा अपनी खुशी से दे रहे हो, एज ए ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आपका ब्लेस्ड बच्चा है ना, तो आप उसके माथे पर कोई निशान देना, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो एक तिल भी होगा ना, एक कट मार्क भी होगा, तो भी मैं समझूंगी वो आपका बेबी है। और संगत जी मैं ना अपने हस्बैंड को बोलती थी ये बात कि आप ना नई i20 ले लो, मेरा बेटा तो नई i20 में घर आएगा, गुरु जी को नहीं बोलती थी। और गुरु जी ने संगत जी मुझे ये बात बोली थी कि जब तेरी डिलीवरी हो जाएगी तो कोई बड़ा डॉक्टर आके तेन बोलेगा थोड़े नाल एक मिरेकल होया है। अब संगत जी जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया ना, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपको पता है मेरी डिलीवरी ऑलरेडी सिजेरियन होनी है, ये डिसाइडेड है, आप उंगली पकड़ के मेरे साथ जाओगे और मेरे को साथ लेके जाओगे और साथ लेकर आओगे। संगत जी मैंने गुरुजी का वही स्वरूप जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, मैं अंदर लेके गई, डॉक्टर्स ने मुझे कहा ये अलाउ नहीं है। मैंने उनको बोला कि मैं किसी तरीके से कोई पैनिक नहीं होंगी, आप प्लीज ये स्वरूप मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए। संगत जी उन्होंने वो मेरी ऑपरेशन टेबल के पिल्लों के नीचे वो स्वरूप को रख दिया। आप मानेंगे संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जरा भी बेहोश नहीं हुई। उन्होंने मुझे स्पाइन में इंजेक्शन लगाया, मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस थी, पूरे सिजेरियन में मैं डॉक्टर से बातें कर रही थी। डॉक्टर मुझे बोलते बेटा आपको एनीथीसिया लगा हुआ है, आप सो जाओ, लेकिन गुरु जी नहीं चाहते थे। बस वो एनीथीसिया उतने एरिया में असर किया जहां पर मेरा ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, और इसकी वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ उसकी वजह क्या थी। संगत जी जब मेरा ऑपरेशन हो गया, जब उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया, आप मानेंगे नहीं, मेरा बेटा इतना ज्यादा व्हाइट था, इतना ज्यादा गोरा था, और उसने आंखें बिल्कुल जैसे गुरुजी एक तिरछा करके देखते हैं वैसे वो देख रहा था,
और जैसे येलो चोला में गुरु जी का स्वरूप है, अपने चीक्स के साथ गुरु जी ने अपना हाथ लगाया हुआ और पैर के ऊपर पैर चढ़ाया हुआ है, इस फॉर्म में मेरा बेटा हुआ था, बिल्कुल येलो चोले के स्वरूप में मेरा बेटा हुआ था। डॉक्टर के वर्डिंग्स थे कि ये बच्चा अंदर से ही ऐसे निकाला है हमने, और हमने आज तक नहीं देखा कोई बच्चा इस पोज में भी आता है। बिल्कुल गुरुजी ने अपने जैसा भेजा। और जब ये बाहर लेकर आए, मेरी फैमिली बोलती है कि जब हमने अभिषेक को पहली बार देखा, मेरे हस्बैंड कहते हैं एक बार को तो मैंने सोचा ये इतना गोरा बच्चा है, इतना गोरा बच्चा मेरा है, और ना ये बहुत तिरछा सा दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे की आईज में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 15-20 मिनट बाद वो अपने आप नॉर्मल हो गया और अभिषेक बहुत हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था उस वक्त। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अभिषेक दिया। उसके बाद संगत जी, मैं ना जब मेरी डिलीवरी, मतलब जो मैंने कंसीव किया हुआ था 9 महीने के दौरान, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, मैं बोल नहीं सकती थी संगत जी, मेरी सांस उखड़ जाती थी बीच बीच में, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं लेट नहीं सकती थी, मेरी हालत ऐसी होती थी हाय मैं भी मरी। और आप मानेंगे नहीं, मंदिर में जितनी भी पुरानी संगत जानती है मुझे, वो सब यही कहते हैं कि ये आंटी पूरे 9 महीने मंदिर में आके रोती थी, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जाता था, मुझे सांसें ही नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था शायद मेरा कोई गला दबा रहा है। और आप मानेंगे संगत जी, मैंने ना गुरु जी को बोला था, गुरु जी जिस दिन मेरा बच्चा हो जाएगा ना, तब तो पहले ना मेरी सांस की प्रॉब्लम सॉल्व कराना। संगत जी 13 अक्टूबर को अभिषेक हुआ, वो भी गुरु जी की डिसाइडेड डेट थी जिस दिन अभिषेक हुआ। 14 अक्टूबर को सुबह 5 बजे मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, मेरी बॉडी पूरी ब्लू हो गई। संगत जी पूरे हॉस्पिटल में शोर मच गया, उन्हें लगा कि सिजेरियन से शायद बेबी हुआ है और इसको कोई इंजेक्शन रिएक्ट कर गया। मशीनें लगा दी गई, सारे टेस्ट किए गए, इको टेस्ट हुआ और ये पता चला कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। संगत जी उन्होंने मुझे आईसीयू में डाल दिया, मैंने बच्चा देखा भी नहीं था कि मेरा बच्चा देखने में कैसा लगता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मतलब शायद मेरा कोई और ट्रीटमेंट होना था, वो तो रब ने जो डिसाइड किया, ऑपरेशन होना चाहिए था जो गुरु जी ने आज तक नहीं होने दिया, और इतनी ऐश इतनी मौज वो मुझे करा रहे हैं अब तक। अब इस बात को 9 साल हो गए हैं संगत जी, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट शिफ्ट कर दिया। एस्कॉर्ट में मेरा जो भी टेस्ट हुए, टेस्ट के अकॉर्डिंग होना फोर्टिस जो ये महारानी बाग में है वहां पर मुझे शिफ्ट किया गया। और संगत जी मेरे टेस्ट हुए, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट था वो नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था शायद, और शायद गुरु जी ने होने नहीं दिया क्योंकि गुरु जी ने खुद अपने हाथों से मुझे ठीक करना था। संगत जी आप मानेंगे, जब मेरे को डिस्चार्ज किया गया तो वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण, वहाँ के एस्कॉर्ट के वो MD हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला आपके साथ एक मिरेकल हुआ है, आपकी बेबी, आपकी वाइफ तो बेबी कंसीव भी नहीं कर सकती थी, बच्चा होना तो बहुत दूर की बात। संगत जी गुरु जी ने मुझे लाइफ दी। और 11 डेज का था अभिषेक, मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे जब मैं उसको बड़े मंदिर लेके गई, वहां मुझे एक बहुत पुरानी संगत ने और जितने भी लोग थे सब सब मुझे मिलने आए, अंकल हुआ है, आंटी हुई है, मैंने कहा अंकल हुआ है, बहुत रो रही थी मैं, गुरु जी मैं बचूंगी तो मैं बच्चे को पालूंगी, पता नहीं मेरी लाइफ कितनी है और आपने मुझे ये बच्चा दिया, ये बच्चा मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, वहां सारी संगत इकट्ठी हो गई और उन्होंने मुझे बोला, और सच में उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे बेटे के माथे पर शिवलिंग बना हुआ है, बीच में शिवलिंग बना हुआ है। और गुरुजी ने भी मुझे बोला कि ये तेरा कवच है, ए पुत्र मेरा दित्ता होया है, जब तक ऐ तेरे नाल तेन कभी कुछ नहीं होएगा। उन्होंने बड़ा प्यार दिया। और संगत जी जब अभिषेक जब मुझे एस्कॉर्ट शिफ्ट किया जा रहा था तो डॉक्टर्स ने रात को 10 बजे बोला कि आप ना बच्चे को घर ले जाइए। तो उस समय मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर इन लॉ और मैं हॉस्पिटल में थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा मैं घर जाता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, सिस्टर इन लॉ को भी लेके आता हूँ, वो बच्चे को पकड़ेंगे, मैं घर जाके गाड़ी चला के घर चला जाऊंगा। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर और उनकी वाइफ मुझे मिलने के लिए आए रात को 10 बजे के लिए। तो संगत जी उन्होंने बोला कि लवली तू घर क्यों जाएगा, तेरी भाभी आई ना, तेरी भाभी बच्चे को गोदी में ले लेगी, तू पीछे गाड़ी में बैठ जाना, मैं गाड़ी चला लूंगा। संगत जी वो अपनी नई i20 लेकर आए थे, क्योंकि मैंने गुरुजी से नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप ना नई i20 ले लो, मेरा बेटा तो नई i20 में घर आएगा। संगत जी मेरा बेटा सच्ची में नई i20 में घर आया, वो बात अलग थी कि i20 किसी और की थी। और बाद में गुरुजी ने मुझे वो गाड़ी भी ब्लेस की, स्विफ्ट दी गुरुजी ने। और मतलब मैं ये बोलूंगी इन 10 ईयर्स में गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, हर एक चीज मेरे को दिया है, मतलब
आप मानेंगे, फिर जब नेक्स्ट 31 दिसंबर आया, मैं अभिषेक को लेकर गई। अभिषेक 2.5 महीने का था। मेरे हस्बैंड मंदिर हॉल में अभिषेक को लेकर डांस कर रहे थे। इतने में एक अंकल आए, उन्होंने बोला इनको ये कौन है? तो उन्होंने बोला मेरा बेटा है। उन्होंने अभिषेक का नाम पूछा और उन्होंने अपनी पॉकेट में से एक कॉइन निकाला। उन्होंने बोला मैं अपनी लाइफ में एक बार अमरनाथ गया हूँ, दोबारा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता, ये चांदी का कॉइन है, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरा दिता हुआ है, एज ए सगन इस बच्चे को ये कॉइन आप दे दो, और गुरुजी के कहने पर मैं ये कॉइन अभिषेक को देता हूँ। और उनका नाम है राजा ठाकुर लक्ष्मी ठाकुर लक्ष्मी नारायण, और वो नेवी मर्चेंट हैं और 2002 से आई थिंक वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने वो गुरुजी के कहने पर ऐसे सगन गुरुजी की तरफ से वो अभिषेक को कॉइन भी दिया। ऐसे ही मैं आपको बहुत छोटे छोटे एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया, शायद और भी अंकल आंटी सत्संग सुनाना चाहते हैं। संगत जी, अभी ये जनवरी की बात है, मुझे एक ही दिन में 2 सत्संग के मैसेज आए। मुझे गुड़गांव में भी सत्संग पर जाना था संगत जी, और यहाँ कमला नगर में भी सत्संग अटेंड करना था। तो टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, तो मैंने कमला नगर वाले सत्संग वाले आंटी को फोन किया कि मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आप चाहे लेट आना, आप नहीं आओगे तो ऐसे कैसे होगा, आप आओगे गाओगे। गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी गाने की दाद बख्शी हुई है, तो आप आओगे तो गाओगे, आप आओगे सत्संग सुनाओगे, प्लीज आप जरूर आना, आप चाहे लेट आना। संगत जी, मैंने बोला कि मैं 10:30 बजे तक आऊंगी, वो उस चीज के लिए राजी हो गए। संगत जी, मैं 4 बजे जब गुड़गांव जाने लगी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं न्यू बॉर्न बेबी क्रीम आती है बेबी जॉनसन, वो यूज करती हूँ अपनी स्किन पे। तो उस दिन वो मेरी खत्म हो गई, तो ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज मुझे वो क्रीम ला दोगे? तो उन्होंने ना थोड़ा सा मुझे गुस्सा किया, उनका गुस्सा करना भी जायज था। उन्होंने कहा जब इतनी बार मार्केट जाता हूँ तब तुझे कुछ याद नहीं आता, और अब तू बोल रही है हमें गुड़गांव भी जाना है, तू देख लेट हो जाएगा। तो ये और मेरे बच्चे ना मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो मैंने बोला रहने दो आप, मेरे गुरुजी दे देंगे मुझे जॉनसन एंड जॉनसन। संगत जी, आप मानोगे क्या कहते हैं, मैं रेडी हुई, हम सत्संग में चले गए। सत्संग में जाने के बाद हमने वहां पर 6 to 8 सत्संग अटेंड किया, संगत बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत नाचे गाए, बहुत शब्द सुनाए। उसके बाद मैं ये कमला नगर वाले सत्संग में गई रात को 10:30 बजे, वहां पर भी बहुत गुरुजी ने सत्संग सुनवाए दी और सुनाए भी, मैंने शब्द गाए। 12:30 बजे जब हम आने लगे, तो उन आंटी ने बोला कि मेरे ना आज बेटे का बर्थडे है, वो मेरे बेटे अभिषेक के जितना ही था, तो उन्होंने मेरे बेटे को 2 रिटर्न गिफ्ट दिए। संगत जी, गिफ्ट रैपिंग पेपर में वो रैप थे। जब हम स्टेयर्स उतर रहे थे ना, तो अभिषेक मुझे कहता है मम्मा इसमें ना शैम्पू है। तो मैंने ना पहले उसकी बात को इग्नोर किया, फिर जब सेकंड बार उसने बोला कि मम्मा इसमें शैम्पू है, तो मैंने बोला बेबी कोई किसी को शैम्पू थोड़ी गिफ्ट देता है, जूस की बॉटल होगी, कोई स्टेशनरी का सामान होगा, कोई कलर बॉटल होगी। संगत जी, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, अभिषेक ने वो गिफ्ट पेपर फाड़ा, उसके अंदर जॉनसन बेबी की बेबी लोशन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू था। तो मैंने ना अपने अंकल में बड़ी जोर से चिल्लाई, और मैंने अपने अंकल को कहा गुरुजी जॉनसन बेबी भी देंगे, यानी गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं। और आई स्वेयर संगत जी, मतलब मैं बताऊं, शायद हम बहुत मैटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं ना, रब उनको देने में बहुत देरी करता है, लेकिन जब ऐसी चीजें मांगते हैं ना, रब हमें वो इतनी इजिली देते हैं, चाहे फ्लावर समोसा प्रसाद बर्फी प्रसाद और ऐसी कुछ भी, क्योंकि रब ये विश्वास दिलाता है कि जब मैं तुम्हें ये छोटी से छोटी चीज दे सकता हूँ ना, तो मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी खुशी दे सकता हूँ, लेकिन वो बशर्ते तुम्हारे लिए जायज होनी चाहिए। जो चीज तुम्हारे लिए आगे नुकसान करेगी वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो संगत जी, आप सिर्फ अपने रब से अरदास करो, देना ना देना उनका काम है, जब उन्होंने देना होगा वो जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो भी उनका शुक्राना है, शायद वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होगी।